गए थे, लेकिन कुछ अलग ही उन्हें अनाउंसमेंट सुनने मिला, आपके लिए कितना ये डिफरेंट? मैं थोड़ी सी सैड हो गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं चाहती थी कि मेरा दोस्त जीते, बट अनफॉर्चुनेटली प्रियंका नहीं जीत पाई. बट ना जीत के भी वो जीत गई मैं ये कहना चाहूंगी, बिकॉज सलमान सर ने बोला कि उनके लिए विनर प्रियंका चाहर चौधरी है, तो इससे बड़ी जीत की बात और क्या ही हो सकते हैं. सो आई वॉज डेफिनेटली वेरी हैप्पी फॉर प्रियंका. आई एम हैप्पी फॉर स्टैन ऑल्सो. स्टैन की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग थे और डेफिनेटली उसके फैंस ने चाहा कि वो जीते, तो अच्छी बात है. क्यों आपका स्टैन के विनर होने के बाद अर्चना से भी जैसे हमारी बात हुई, तो अर्चना का भी कहना ये था कि अगर ऐसा ही खेलना था तो दो वीक तो फिर मैं भी ऐसे ही खेलती, क्यों अपने आप को मैंने बदनाम किया, ये वो किया है, क्या कहना चाहिए? स्टैन ऑलमोस्ट 2.5 महीने तक सो ही रहा था, उसको घर जाना था जो भी है. बट अगेन मतलब इस बार डायनेमिक्स कुछ और था, बिग बॉस का गेम ही कुछ और था, यू नो. मतलब इट्स बेसिकली लाइक जिसका बाहर फैन फॉलोइंग ज़्यादा है या जिसका अभी अभी ताज़ा शो खत्म हुआ है वो कुछ ना करके भी शो जीत सकते हैं, ऐसा वाला सीन था. सो हु आर वी टू से एनीथिंग अबाउट इट. और इसके बाद भी क्या कुछ सरप्राइजेस आप देंगे सभी फैंस को? क्या डेफिनेटली आई थिंक इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 10 to 15 days कुछ अच्छे सरप्राइजेस मिलेंगे सारे फैंस को. आपको बिग बॉस हाउस किस किस से मिलना हुआ है आपका? प्रियंका से, बट जेन्युइनली गौरी ने भी कल फोन किया था, अर्चना ने भी कल फोन किया था, मैं थोड़ी सी काम में बिजी थी, मैंने सबका फोन मिस कर लिया. तो मैं इन तीनों से तो डेफिनेटली मिलूंगी, गौतम से भी मिलूंगी, अंकित से भी मिलूंगी. क्या गेट टुगेदर होगा आपका सबका? आई डोंट नो, गौतम अंकित तो यहाँ पे है नहीं, अर्चना भी जा रही है, सो लेट्स सी, डेफिनेटली ट्राई करूंगी कल मिलने का. वेल इसके बाद भी अगर कोई और भी रियलिटी शो करने का मौका मिलता है, क्या हम आपको खतरों में देख सकते हैं? खतरों में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट अगर दोबारा मौका मिला खतरों करने का तो डेफिनेटली आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड व्हाट इज यू लाइक टू से टू ऑल द फैंस? क्योंकि थैंक यू सो मच फैंस फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच. आज भी आप लोग जितना प्यार कर रहे हैं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. मम्मी पापा को इतना प्यार देने के लिए, उनके रील्स को इतना पसंद करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. कुछ डिमांड है आंटी आपके टीना को लेकर? अभी कुछ ये शो करो. भगवान ने दिया बहुत कुछ दिया, आगे भी बहुत कुछ मिलने वाला है सभी को. कुछ ना कुछ अलग अलग शोज जैसे कि मिलने वाले हैं, नागिन है और भी कई शोज है. आप क्या चाहती है, आप टीना को कहाँ देखना चाहती है? टीना को भी बहुत अच्छा शो मिलेगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, और जो होगा आगे अच्छा ही होगा. टीना की मम्मी जो कृष्णा अभिषेक के साथ जो अभी हुई थी मस्ती, जो बार बार बोल रहे थे टीना की मम्मी, उनके बारे में कुछ बता दीजिए. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, कभी सोचा भी.